फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। दोस्तों हर किसी को अपनी जिंदगी में धन कमाने की चाहत होती है। धन इंसान की जिंदगी में सिर्फ जरूरतों को पूरा नहीं करता बल्कि समाज में हमें मान सम्मान भी दिलाता है। जिंदगी में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर उन दुखों के साथ कोई आर्थिक संकट भी आ जाता है तो उनसे लड़ना और भी कठिन हो जाता है। इंसान की जिंदगी में धन इतना जरूरी होता है कि अगर कभी भी किसी की जिंदगी में धन की कमी हो जाती है तो उसके रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में धन को कमाने की पूरी महत्व देता है। इस संसार में जीवन जीने में सबसे जरूरी चीज धन होता है, जिसको कमाने के लिए हर कोई कोशिश करता है। इंसान सिर्फ दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए ही धन नहीं कमाता, वह अपने बाकी सपनों को पूरा करने के लिए भी धन कमाता है, जिसे वह अपनी दैनिक जरूरतों के साथ साथ अपने सपने भी पूरे कर सके। लेकिन आजकल के समय में इंसान की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन कमाना बहुत कठिन हो चुका है, तो बाकी सपनों को लोग छोड़ ही देते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी मामूली सी नौकरी में भी आपको धनवान बना सकता है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक हमारे घर में ही धन से संबंधित परेशानी के कई कारण होते हैं जिसको हम अक्सर ही अनदेखा कर देते हैं। वास्तु शास्त्र में जो सामान्य उपाय दिए गए हैं उन्हें आप आजमा लें तो आपके आकस्मिक खर्चों में कमी हो जाएगी और आपकी बचत भी बढ़ने लगेगी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला, घर में शीशा इस तरह से लगाएं कि उसका प्रतिबिंब तिजोरी और धन की तरफ हो। ऐसा करने से व्यय कम हो जाता है और धन बढ़ता है। दूसरा, घर के मेन दरवाजे पर लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर या फिर स्वास्तिक के चिन्ह की तस्वीर लगा लें। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं होता है। तीसरा, घर में उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा समय परिवार वाले वक्त गुजारते हैं तो वहां पर चांदी पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से धन के साधनों में बढ़ोतरी होती है और घर में धन की कमी भी नहीं होती है। चौथा, घर में हो रही परेशानियों से निजात पाने के लिए धातु से बने कछुआ और मछली रखना शुभ होता है। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन होता है और बरकत होती है। पांचवा, घर के मंदिर और तिजोरी में हमेशा लाल कपड़ा लगाकर रखें और शाम को घर की कोई भी औरत नियम पूर्वक वहां घी का दीप जलाकर जरूर रखें और पूजा करें। छठवा, घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर संध्या के समय रोजाना घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस घर से कभी भी नहीं जाती हैं। साथ ही काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें, धन हानि बंद होगी। दोस्तों इन उपायों को करने के साथ साथ धन अर्जित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं और आलस्य को त्याग कर कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ते।